अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दोसबर। आज ना हम भरे बाल वाले खरगोशों को ना खेतों में लेकर आए घुमाने फिराने के लिए। तो इनके बाल ना काफी ज्यादा भरे हो गए हैं, आज हम इनके भरे बालों को काट देंगे। हम साथ कैंची भी लेकर आए हैं। ये देखिए इनके बाल कितने कितने ज्यादा भरे हो गए हैं। ये देखिए ये बाल है, ऐसे लग रहा है उसकी टांग है ना। हाँ, कितने ज्यादा बाल भरे हैं। आज हम ना इनके बाल काट देंगे, फिर देखने ये कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं। अभी तो भरे बाल है ना, अभी प्यारे नहीं लग रहे, जब छोटे बाल होंगे प्यारे लगेंगे काफी ज्यादा। ये भरे है ना, ये नीचे रुलते फिरते हैं। ये देखिए कितने गंदे हो गए हैं, इनको आज हम काट देंगे। इन बालों को भाई साहेब और भाई साहेब ना खरगोशों के बाल काटने लगे हैं। अभी आपको दिखाते हैं कैसे काटते हैं भाई साहेब। ये देखें, वो ख्याल करना ये ना हो टांग ही आई हो कैंची के अंदर। ये देखिए ये बाल है। वही इसके कान पकड़ के खा, इस कानों पे हाथ रखो, ये ना हो कान मैंने बालों की जगह कान काटा हो, जिसकी ये पीछे है। ये पूछ नहीं, नहीं बाल है। कितने बड़े बाल है। ये देखिए खरगोश, खरगोश के हमने बाल काट लिए है तो खरगोश देखे कितना छोटा हो गया। ये देखिए ये खरगोश ना, इस खरगोश से भरा था तो ये देखिए अब छोटा रह गया। बाल इसके इतने बड़े थे ना तो सारे काटे, छोटा सा हो गया। ये देखिए कितने ज्यादा बाल है, हर साइड में बाल ही बाल हो गए। अभी ये खरगोश काटे हैं, दूसरे खरगोश के काटने हैं अभी बाल। ये देखे कितने बड़े बाल है, और इधर से हमने काट दिए हैं, यहाँ छोटे बाल हो गया, यहाँ देखे कितने बड़े हैं। हमने खरगोशनी के सारे बाल काट दिए हैं, अभी खरगोशनी देखे छोटी सी कितनी मासूम सी, कितनी प्यारी सी लग रही है। शाम होने वाली है, अभी ना अपने खरगोशों को लेकर घर चलते हैं। शाम का टाइम है और हमारी सारी मुर्गियां जा रही हैं। मैं बताता हूँ क्यों जा रही हैं। आप सबको पता है हमारे पास जो है ना छत के ऊपर सेटअप है, और वहाँ पर ना मुर्गियां हम लोग नहीं रख सकते। एक तो ये बार बार छलांग लगा के बाहर भाग जाती हैं, इनको लाना पड़ता है पकड़ के। दूसरा ऊपर ना ये गंद बहुत ज़्यादा डालती हैं, तो फिलहाल हम लोग इनको भेज रहे हैं। तो जल्दी हम लोग फार्म हाउस बनाने वाले हैं इंशाल्लाह जल्दी, तो फिर इनको वापस ले आएंगे। मतलब हम लोग मुर्गियों को पका पका नहीं भेज रहे, जब हम लोग फार्म हाउस बना लेंगे ना अपने खेतों में तो फिर हम लोग इनको इंशाल्लाह वापस ले आएंगे। तो फिलहाल के लिए इनको भेज रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं अभी, तो अलविदा कर दो इनको। अलविदा। अपने दोस्त ही हैं जिनको ये भेजनी है, तो इंशाल्लाह जब हम लोग फार्म हाउस बना लेंगे ना तो फिर वापस ले आएंगे। उनको शौक है रखने का, तो वो कह रहे थे कि हमने खरीदनी है। हमने कहा कि आप हमसे ले जाएं, अपना शौक पूरा करें, और जब हमारा फार्म हाउस बनेगा ना फिर हम लोग आपसे ले आएंगे। शाम का टाइम है, अभी घर पर आए हैं, घर पर आके अभी खरगोश रखे हैं, और हमारी छत पे आके कबूतर बैठा है, दूध पकड़ने के लिए गया है, वो ये सामने बैठा हुआ है। कर लिया, पकड़ लिया शहजादा, कर लिया मैंने शहजादा। ये देखिए इसकी कलर लगी हुई है, इसको कितना प्यारा है माशाल्लाह। ले जी, शाम का टाइम था इसे जल्दी पकड़ा गया है ना। शाम के वक्त ना ये उड़ते नहीं है, मतलब बैठा हो आप आराम से जाके हाथ से पकड़ सकते हैं, ये नहीं उड़ते। तो एक और कबूतर हमारा भर गया माशाल्लाह, कितना प्यारा है। इसके पैर में देखे कोई करी वगैरह कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। बच्चा सा क्यूट से है, बच्चा भी। हाँ जी, तो इधर ही फिलहाल इधर रहने दो, तो सुबह इसके पर बांध देना ठीक है। अभी ना मैं आपको चिक्स दिखाता हूँ, माशाल्लाह देखे कितने ज्यादा भरे हो गए हैं। ये देखिए सबके पंख आ गए हैं, ये देखिए
पग हो गए, अब ये बच जाएंगे। जब हम लोग ने लिए थे ना, तब जिन अंकल से लिए थे उन्होंने बताया था कि इनको वैक्सीन हुई है तो ये बच जाएंगे। तो बस मेरे ख्याल में 120 लिए थे, 20-25 मरे हैं, बाकी सारे जिंदा हैं। ये देखें, पिछली बार ज़्यादा मर गए थे, है ना। इसके पंख देखो माशाल्लाह। अब ये डक्स देखें माशाल्लाह, दिनों में देखें कितनी बड़ी हो गई है। अगर आप में से किसी का दिल करता ना डक्स लेकर आऊँ या चिक्स लेकर आऊँ, तो मेरा मशवरा यही है कि आप डक्स लेकर आएं, क्योंकि चिक्स के बहुत कम चांस होते हैं बचने के, और ये डक्स 100% मतलब 100 में से 90 डक्स बच जाती हैं। तो चिक्स 100 में से 70-80, लास्ट टाइम तो हमारे 100 में से एक चिक्स बचा था बस। तो डक्स हमने चार पाली थी, चारों की चार ही बड़ी हो गई थी। तो अभी उम्मीद है कि ये भी जल्दी बड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम लोग फिर अपना फार्म हाउस बनाएंगे ना, तो उधर इन डक्स को छोड़ेंगे, खुला रहेंगी, फिर ये जल्दी बड़ी हो जाएंगी और प्यारी भी लगेंगी। हमने अपने खरगोशों के ना बाल भी काट दिए हैं और हमारी मुर्गियाँ भी चली गई हैं। कोई बात नहीं, मुर्गियाँ तो फिर आ जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं कहता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।